आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सुप्रसिद्ध संस्था ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा द्वारा आयोजित ऑनलाइन विचार गोष्ठी के ऑनलाइन अध्यक्ष महोदय सात समुंदर पार अमेरिका से सीधी जुड़ी मुख्य अतिथि डॉक्टर उषा गुप्ता जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में जुड़े मथुरा निगम नगर निगम के वार्ड 17 के पार्षद माननीय प्रदीप अरोड़ा जी व सभी सहभागिता कर रहे सभी सम्मानित अधिकारियों, मैं क्लास 8 अवकाश प्राप्त ग्रेड 1 अवकाश प्राप्त क्लास 1 सैन्य अधिकारी एस एस अग्रवाल आप सभी का अभिनंदन करता हूं और पटल पर स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज इस वर्तमान में पर्यावरण की दशा और दिशा विषय पर चर्चा करने के लिए हम एकत्रित हुए हैं। अभी मैंने ऊपर लिखे हुए अपने वक्तव्य में तो आज के दिन की महत्वता के ऊपर के लिए प्रकाश डाला था। अब मैं आपको बताऊंगा पर्यावरण क्या होता है। अब मैं उसको शुरू करता हूं। अपना आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी न रख सका। अब एक और नई समस्या उत्पन्न हो गई है, वह प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों का ध्यान केंद्रित है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है। इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती महामारी कोरोना के साथ साथ पर्यावरण को भी बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताना चाहिए। इधर हम महामारी कोरोना साथ जूझ ही रहे हैं, लेकिन ये भी महत्व बताना चाहिए, क्योंकि यही हमारे अस्तित्व का आधार है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो आने वाली पीढ़ियाँ अभिशप्त जीवन जीने को बाध्य होंगी और पता नहीं तब मानव जीवन होगा भी या नहीं। प्रदूषण का अर्थ क्या होता है? प्रदूषण होता है संतुलित वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। प्रकृति के द्वारा प्रदान किया गया पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। जब वातावरण में कुछ हानिकारक घटक आ जाते हैं तो वे वातावरण का संतुलन बिगाड़कर उसको दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए अनेक प्रकार से हानिकारक होता है। इस प्रकार वातावरण के दूषित हो जाने को ही प्रदूषण कहते हैं। जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर दिया है कि उससे मानवता के विनाश पर संकट उत्पन्न हो गया है। अब हम जानेंगे प्रदूषण के कितने प्रकार हैं। आज का प्रदूषण कई रूप में दिखाई देता है। जैसे नंबर 1 वायु प्रदूषण। वायु जीवन का अनिवार्य सूत्र है। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार वायुमंडल में इसकी विशेष अनुपात में उपस्थिति आवश्यक है, जीवधारी सांस द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। इससे वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है। आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का संतुलन बिगड़ गया है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गई है। दूसरा कारण जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है और यह भी माना जाता है कि जल में ही सभी देवता निवास करते हैं। इसके बिना जीव जंतु और पेड़ पौधों का भी अस्तित्व नहीं है। फिर भी बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले और सीवर नदियों के जल में आकर मिला दिए जाते हैं। कारखानों का सारा मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है, उससे जल प्रदूषित हो गया है
और उससे भयानक बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे लोगों का जीवन ही खतरे में पड़ गया है। तीसरा प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया, जैसे मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के सायरन, मशीनें तथा लाउड स्पीकर ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर रहे हैं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण से मानसिक विकृति, तीव्र क्रोध, अनिद्रा, चिड़चिड़ापन जैसी मानसिक समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। चौथे प्रकार का प्रदूषण रेडियो धर्मी प्रदूषण आज के युग में वैज्ञानिक परीक्षणों का जोर है। परमाणु परीक्षण निरंतर होते रहते हैं, इससे इनके विस्फोट से ही रेडियो धर्मी पदार्थ संपूर्ण वायुमंडल में फैल जाते हैं और अनेक प्रकार से जीवन को क्षति पहुंचाते हैं। पांचवा है रासायनिक प्रदूषण। कारखानों से बहते हुए अपशिष्ट द्रव्यों के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयों से और रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार की हानि पहुंचाते हैं। अब इसकी समस्या और हानियां क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या पैदा कर दी है। कारखानों के धुओं से, विषैले कचरे के भाप से तथा जहरीली गैसों के हिसाब से आज मानव जीवन समस्याग्रस्त हो गया है। इस प्रदूषण से मनुष्य जानलेवा बीमारियों का शिकार हो रहा है। कोई अपंग होता है तो कोई बहरा, किसी की दृष्टि शक्ति नष्ट हो जाती है तो किसी का जीवन, विविध प्रकार की शारीरिक विकृतियां, मानसिक कमजोरी, असाध्य कैंसर व ज्वर, इन सभी रोगों का मूल कारण विषैला वातावरण है। इस समस्या का निदान कैसे पाया जाता है? वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। कारखाने और मशीनें लगाने की अनुमति उन्हीं लोगों को दी जानी चाहिए जो औद्योगिक कचरे और मशीनों के धुएं को बाहर निकालने की समुचित व्यवस्था कर सकें। संयुक्त राष्ट्र संघ को चाहिए कि वह परमाणु परीक्षणों को नियंत्रित करने की दिशा में उचित कदम उठाए। तेज ध्वनि वाले वाहनों पर साइलेंसर आवश्यक रूप से लगाए जाने चाहिए तथा सार्वजनिक रूप से लाउड स्पीकर आदि के प्रयोग को नियंत्रित किया जाना चाहिए। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए औद्योगिक संस्थानों को ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि व्यर्थ पदार्थ व जल को उपचारित करके ही बाहर निकाला जाए तथा इनको जल स्रोतों में मिलाने से रोका जाए। मुझे खुशी है कि संस्था ने मुझे उपरोक्त वक्तव्य को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया है। तथा ब्रज संस्कृति केंद्र मथुरा व आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। सारा भी समझ पाते हैं।